नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी उन फूलों के बारे में जिनकी जिनके पेड़ या जिनकी श्रब्स हम सीड्स और स्टेम्स की कटिंग से दोनों से ही तैयार कर सकते हैं। उनके सीड से भी उनको उनको पौधे उनके बना सकते हैं और उनके स्टेम से भी। और मेरे पास इस समय मौजूद चार तरह के फूल हैं जिनकी हम आज बात करेंगे, और चारों तरह के फूलों को मैंने सीड्स और स्टेम दोनों से लगाया है, और दोनों के पेड़ का एक एक नमूना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोर्चुलाका से। पोर्चुलाका के ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाया है कि इसको सीड से कैसे लगाना है। तो ये वाला जो आप पॉट देख रहे हैं, ये मैंने पोर्चुला का सीड से लगाया था 1 मई को, और ये देखिए कितना थिक हो गया है, ये अच्छे से घना हो गया है। इसके ये देखिए, अगर आप इसके लीव्स देखें तो कितने इसके मोटे लीव्स हो गए हैं। ये देखिए एक एक लीव इसका कितना मोटा है, और इन लीव्स के अंदर बहुत अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर आपने पोर्चुला का लगा दिया तो ये कभी भी मुरझा सूखेगा नहीं। और आपने देखा मैंने इसकी लीव्स इधर साइड में रख दी है, तो इसकी लीव से भी चांसेस हैं कि रूट्स निकल आए, क्योंकि पोर्चुला का भी एक तरह का सकलेंट है। आप देखिए इसमें कितने अच्छे से बडिंग हो रही है, इसमें खूब फूल निकलते हैं दोस्तों। तो ये मैंने सीड से लगाया था, और सीड से कैसे लगाते हैं इसका मैं आपको वीडियो अलग से बना के दिखा चुकी हूँ, तो आप मेरा वो वाला पहले का वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उस वीडियो का। तो ये तो हो गए सीड से लगे हुए पोर्चुलाका, और अब हम वो पोर्चुलाका देखते हैं जो कि मैंने लगाए थे कटिंग से। ये देखिए, और ये अभी खिले हुए भी हैं। ये देखिए कितने सुंदर पोर्चुलाका है। इसमें दोनों तरह की मिक्स्ड वैरायटी थी, एक सिंगल और एक डबल। तो ये वाला देखिए, ये तो सिंगल पेटल पोर्चुलाका है, और ये वाला अगर आप देखें तो ये डबल है, ये वाला अगर आप देखें तो ये डबल पेटल पोर्चुलाका है। तो ये मैंने इस तरह के आइसक्रीम के या योगर्ट के जो आ, आ, ये बॉक्सेस रहते हैं जो खाली हो जाते हैं, कप्स होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, इसमें लगा दिया था। इसमें मैंने बॉटम में और ये साइड्स में छोटे छोटे छेद कर दिए थे, और इस ट्रे में रख दिया था, और इस ट्रे में ही मैं पानी देती हूँ। तो ये अपने आप, इसको जितना पानी चाहिए होता है ये ले लेता है। सकलेंट है तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये खिल रहा है इसमें। और साथ ही मैंने एक ये मिट्टी के अर्दन पॉट जो होता है इसमें लगाए थे। तो इसमें तो बॉटम में कोई छेद भी नहीं है, लेकिन इसका वेपराइजेशन सिस्टम इतना अच्छा होता है कि अगर पानी ज़्यादा हुआ तो ये अपने आप यहाँ से वेपराइज हो जाएगा। तो इसमें भी ये खिला हुआ देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। तो इसको कटिंग से ग्रो करना बहुत इजी है, ये कभी नहीं सूखता। इसकी जड़ें नहीं भी बने तो भी इसमें इतना वाटर कंटेंट होता है कि अगर आप कोई बड तोड़ के इसको ग्राफ्ट करते हैं, ग्राफ्ट नहीं करते हैं पर बड तोड़ के अगर आप इसको मिट्टी में लगाते हैं या ऐसे भी रख देंगे मिट्टी के ऊपर, तो भी इसकी इसके स्टेम में और इसके लीव्स में इतना पानी होता है कि ये खिल जाए। तो अब लगाते कैसे पोर्चुलाका को है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखिए कितना घना हो रहा है। इसकी हम एक स्टेम ले लेते हैं, कोई भी स्टेम चाहे पतली हो चाहे मोटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए ये हमने यहाँ से तोड़ ली, इसमें कोई रूट नहीं है दोस्तों। ये एक स्टेम है जिसमें मैंने स्पेशली बर्ड वाली इसी लिए लिए कि ये दोबारा खिले, और ये तुरंत खिल जाती है दोस्तों। सॉरी ये गिर गया, ये देखिए। तो बस आप इसको ऐसे, और इस वाले जो मेरे ये कंटेनर्स हैं इसमें सॉइल भी नहीं है दोस्तों, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट है। तो न्यूट्रिएंट के नाम पे इसको, बस जो मैं पानी देती हूँ इसको वही न्यूट्रिएंट के नाम पे मिलता है, और तो भी ये इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। हाँ, इसको मैं कभी कभी एनपीके फर्टिलाइजर का सोल्यूशन का पानी ज़रूर दे देती हूँ, लेकिन वो भी बहुत ही रेयरली।
तो ये देखिए, ये मैंने आपके सामने इसको लगा दिया है, और अब इसकी थोड़े टाइम में भी नहीं, कल से ही इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसकी रूट्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये मुरझाता नहीं है। सबसे अच्छी बात पॉटुला का की ये होती है कि ये मुरझाता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको ये अर्दन पॉट दिखाया, इसमें नीचे कोई छेद नहीं है, बॉटम में कोई छेद नहीं है, तो जो पानी इसमें दिया जा रहा है, बस वही पानी इसमें कंटेन इसके अंदर वही पानी रुकेगा। तो अगर मैं इसमें ज़्यादा भी पानी देती हूँ तो भी कोई नुकसान नहीं होता। तो अभी मैं कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर गई थी, उसके बाद में वापस आई तो देखा है बाकी पेड़ पौधे तो जिसमें हाइड्रोपोनिक सिस्टम नहीं था वो तो मुरझा गए, लेकिन ये वाले पॉटचुला का बिल्कुल भी नहीं मुरझाए। और वापस पानी देने पे ये देखिए इन्होंने कितने सारे फूल मुझे दिए हैं। तो आशा करते हैं आपको पॉटचुला का के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और मैं अभी आपको सीड से ग्रो करके नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैंने सीड से ग्रो करने का आपको अलग से ही वीडियो बना के मैं दिखा चुकी हूँ। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं मैरीगोल्ड की। ये देखिए दोस्तों, ये मैरीगोल्ड फ्लावर्स हैं, अफ्रीकन मिक्स्ड। ये मैंने लगाए थे काफी टाइम पहले, और अभी इसका रिजल्ट आपके सामने है। ये देखिए दोस्तों, ये अभी पूरी तरह से नहीं खिला, ये अभी और खिलेगा। ये देखिए, तो ये सेटअप जो है मैंने हाइड्रोपोनिक सिस्टम में बनाया था। इसमें देखिए इतनी थोड़ी सी बस मिट्टी है, और ये देखिए इसकी रूट्स कितनी अच्छी हेल्दी ग्रो कर रही हैं, और इसमें ग्लास में नीचे पानी है। ये देखिए, और इसमें देखिए 2 बड्स उसके और आए हुए हैं, और ये वाला तो खिल गया है, ये अभी और खिलेगा। और इसकी लीव्स पूरी तरह से ग्रीन है, लश ग्रीन। ये भी हाइड्रोपोनिक होने की वजह से ये भी नहीं सूखा मेरा प्लांट। और ये मैंने सीड से ग्रो किया था, ये मैंने मैरीगोल्ड लगाया था 25 अप्रैल को, और आज डेट है 4 अगस्त। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने के भीतर भीतर ये प्लांट इतना बड़ा हो गया और इसकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। तो मैरीगोल्ड, जैसे कि आपको पता है कि ये रेनी सीजन से स्टार्ट होके पूरे विंटर्स तक हमको फ्लावर देता है, तो अभी बहुत अच्छा टाइम है आपको सीड्स लगाने का इसके। और अब हम देखते हैं कि इसके सीड्स को कैसे लगाया जाए। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ, चलिए पहले हम इसके सीड लगा लेते हैं फिर हम बात करते हैं। तो मैंने अपना ये पॉट तैयार करके रखा हुआ है, जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताया भी हुआ है आपको, और एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी है ये पॉटिंग मिक्स किस तरह तैयार की जाए। तो इसमें हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल, सबसे पहले तो मैंने इस पॉट को अच्छे से क्लीन कर लिया अंदर से और बाहर दोनों से। साबुन से अच्छे से क्लीन करने से ये होता है कि जो पिछला पॉट आपका, पिछला प्लांट लगा था, अगर उसमें कोई फंगस या कोई बीमारी आई हुई है तो वो बीमारी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी न्यू प्लांट्स के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप जब भी अपना नया सीड्स या नया प्लांट लगाएं तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है पॉट को धो लें अच्छे से। जब पॉट साफ हो जाए और सूख जाए, तो मैंने इसके बेस में एक कॉटन क्लॉथ लगाया है, कॉटन का कपड़ा लगाया है, ताकि इसके होल्स ब्लॉक ना हो। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मिट्टी इतनी गीली हो जाती है, या मिट्टी इतनी सख्त हो जाती है, या सॉइल वाटर में इतने ज़्यादा सॉल्ट्स हैं कि वो पूरा आपके होल्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो एक तरीका तो एक ये होता है कि आप नीचे उसमें बड़े पत्थरों की लेयर लगा दें, जैसा कि मैंने आपको किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर बताया होगा। तो उन पत्थरों की लेयर से भी उस बॉटम्स के बॉटम के जो होल्स होते हैं वो कवर नहीं होंगे। और अगर वो भी ना आपको पत्थर ना मिले, आप शहर में रहते हो तो बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपको कि पत्थर नहीं मिलेंगे, तो आपको कॉटन क्लॉथ तो सबके घर में अवेलेबल होता है, तो वो आप कॉटन का कपड़ा इसके बेस में लगा दीजिए एक लेयर फोल्ड करके। तो उससे क्या होता है कि आपके नीचे बॉटम होल्स में कभी गंदगी नहीं जमा होगी और वो क्लोज नहीं होंगे। और दूसरा बेनिफिट उसका ये होता है
कि जब आप पानी देंगे तो वो कपड़ा गीला हो जाएगा, और जब पानी नहीं देंगे तो भी वो कपड़ा जो पहले से गीला हुआ है वो इतनी जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि उसके ऊपर ये सॉइल की मोटी लेयर है। तो आपका प्लांट उस कपड़े से के जो गीला वेट कपड़ा है उससे भी पानी सक कर सकता है, तो ये भी उसका बेनिफिट है। अब इसमें पॉटिंग मिक्स जैसे हम हमेशा लेते हैं, उसके ऊपर सॉरी उसके ऊपर मैंने एक बहुत पतली सी लेयर लगाई नीम की खनी, नीम केक या नीम की खनी बोलते हैं उसको दोस्तों। तो जो नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है नीम के सीड से, उसके बाद का जो लेफ्ट ओवर है उसको सुखा के बनाया जाता है। उससे क्या होता है, आपके रूट्स में आपके प्लांट के सॉइल में कभी भी फंगस नहीं आएगी। उसकी मैंने एक लेयर लगाई है, उसके ऊपर मैंने अपनी पॉटिंग मिक्स ऐड कर दी। पॉटिंग मिक्स में कॉम्पोस्ट और नॉर्मल गार्डन सॉइल का मिक्सचर है, आप चाहें तो इसमें कोकोपीट और सैंड का भी मिक्सचर ऐड कर सकते हैं, बट मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा कोकोपीट को लेके मैं इसके ऊपर इस तरह से एक थिन लेयर ऑफ जितना भी आपके गमले का साइज है उस हिसाब से। तो ये गमले का साइज तो काफ़ी छोटा है, ये 3 साढ़े 3 इंच का साइज का गमला है, तो इसमें 1/2 इंच कोकोपीट की अगर आप लेयर लगा देंगे ऊपर तो भी आपका काम चल जाएगा। 1 6 इंच के पॉट में 1 इंच की कोकोपीट की लेयर लगाएं। तो ये देखिए हमने कोकोपीट की लेयर लगा दी है, और अब हम लगाते हैं इसके ये सीड्स। इसको ज़्यादा अंदर होल करके लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरे हाथ में 3 4 4 मैरीगोल्ड के सीड्स आ गए हैं। ये बहुत ही थिन है और ये हवा से भी उड़ सकते हैं, तो आपको इमिडिएटली इसको लगा के पानी पानी दे देना चाहिए। तो आप चाहें तो आप ऐसे हल्का सा इसमें स्पेस करके डाल सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही दूर दूर डाल देती हूँ। ये देखिए, और अब हम इसमें वापस हल्की सी कोकोपीट की लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए हमारे सारे सीड्स कवर हो गए, और बस अब हम इसमें पानी दे देंगे, और हम इसको ऐसे एरिया में रखेंगे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो बट सनलाइट आती हो, बिल्कुल डार्क में नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, बट ऐसे एरिया में जहाँ पे आप शेडी प्लेस कह सकते हैं, जहाँ पे लाइट आती हो बट फुल सनलाइट ना आती हो। जब ये पौधा आपका थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगे तब आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। तो ये तो बात की हमने कि मैरीगोल्ड को हम कैसे लगाते हैं सीड से, अब हम बात करते हैं मैरीगोल्ड को हम कटिंग से कैसे लगाते हैं। तो हम मेरा एक इंडिविजुअल वीडियो मौजूद है मैरीगोल्ड को हम कटिंग से कैसे लगाते हैं, और ये उस कटिंग से लगे हुए मैरीगोल्ड का रिजल्ट है। तो यदि आपको याद होगा तो हमने इसी पॉट में मैरीगोल्ड लगाया था उस दिन, आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस दिन हमने जो मैरीगोल्ड का ये कटिंग से पौधा लगाया था, आज वो देखिए कितने जल्दी ये बड़ा हो गया। ये 4th अगस्त है एंड आई गेस वो हमने जुलाई 10 के आसपास लगाया होगा, 10 या 15 जुलाई को, और ये देखिए कितनी जल्दी ये इतना बड़ा हो गया। आप वो वीडियो देख के डेट ज़रूर देख लें दोस्तों, मुझे डेट एग्जैक्टली नहीं याद है बट मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि हार्डली 10 to 15 डेज में ये पौधा यहाँ तक था जब मैंने इसको कटिंग से लगाया था। अब ये इतना ये जो पोर्शन है अभी अभी बढ़ा है 10 15 दिन में, और ये देखिए इसने कितना सुंदर कितना बड़ा फ्लावर दिया है, और इसकी एक और ये बढ़ाई हुई है। तो कटिंग से मैं मैरीगोल्ड प्रेफर करती हूँ कटिंग से लगाना, लेकिन अगर आपके पास इनिशियली कोई मैरीगोल्ड का पौधा नहीं है जैसे मेरे पास नहीं था, तो आप इसको इस तरह से सीड से लगा सकते हैं जैसे मैंने पीछे ये लगाया था, और जब इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएं तब आप इसको उस ब्रांचेस की कटिंग ले लें। मैंने एक कटिंग ऑलरेडी काट के रखी है दोस्तों, एक मेरे पास बड़ा पौधा था, ये वही वाला पौधा था जो मैंने वीडियो में दिखाया है जिससे मैंने और भी कटिंग्स निकाली हैं। तो ये देखिए मैंने उसकी ये कटिंग ये ले ली है, ये देखिए ये मैंने उसकी कटिंग ले ली है, और मैं अब इसको आपके सामने लगाती हूँ। ये देखिए
लगाने के टाइम पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि नीचे बॉटम में इसके कोई अगर नोड हो इस तरह से, ये इसको हम नोड कहते हैं, नोड मतलब वो एरिया जहाँ से आपकी ब्रांच निकल रही है, तो अगर कोई नोड हो तो वो नोड आपकी सॉइल में जानी चाहिए, सॉइल के अंदर दबनी चाहिए, तभी जाके वही नोड एक होती है जहाँ से आपकी रूट्स निकलना स्टार्ट होती हैं। यहाँ से तो रूट्स निकलेंगी ही निकलेंगी, बट यहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम निकले लगेगा, लेकिन अगर आपने नोड्स जो है सॉइल के अंदर रख दी, दबा दी हैं, तो नोड्स से जो है बहुत जल्दी रूट्स निकलती हैं। तो अभी रूट नोड के साथ में ये लीव्स हैं जिनको हम लोग निकाल देते हैं, ये देखिए हम नीचे, तो मैंने इसके नीचे, तो ये मैंने सारे लीव्स इसके बॉटम के जो लीव्स थे वो निकाल दिए हैं, और अब हम इसको, ये देखिए ये हमारी वही कटिंग इसके, अब आप देखेंगे तो पाएंगे इसके दो नोड्स हमें मिल गए हैं, एक तो ये नीचे और उसके ऊपर 1 इंच की दूरी पे एक ये, तो दो नोड्स हमें मिल गए, एक और तो ये नोड भी है, लेकिन इतना अंदर करने का मतलब है कि इसके एकदम बॉटम तक ये टच करेगा, और मैं इस सेटअप में पानी इस नीचे वाले कप में देने वाली हूँ, तो इसकी रूट्स का सड़न सड़ सकती हैं, इसकी रूट का सड़ना निश्चित है, इसलिए हम ये तीसरी नोड इसको नहीं अंदर डालेंगे, हम ये सिर्फ दो नोड इसके अंदर सेट करेंगे। तो ये तो हमारा एक ग्लास है जिसके बॉटम में, और ये देखिए साइड में कितने सारे होल्स हैं, ये बॉटम में और साइड में होल्स हैं, इसमें भरा है सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट। कोकोपीट बहुत लाइट ग्रोइंग, बहुत अच्छा ग्रोइंग मटेरियल है, सोइंग मटेरियल है, और नीचे ये आइसक्रीम कप रखा है और इसी में मैं पानी दूंगी। मैं इसको डायरेक्ट पानी अगर इसमें दे दूंगी तो ये वाली जो हमारा स्टेम है ये सड़ जाएगी, तो हम इसको नीचे बॉटम में पानी देंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम ज़रूरी है कि हम इसकी कोकोपीट पूरी तरह से गीली कर लें। तो जब हम इसको इस प्रकार से, इसमें आप चाहें तो स्टिक की मदद से छेद कर लें और फिर वापस इसको उसमें डाल दें, लेकिन क्योंकि कोकोपीट इतना लाइट है कि आप डायरेक्टली इसको इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये हमने इसको इतना अंदर कर दिया कि हमारी जो तीसरी नोट थी वो ऊपर है, बाकी दो नोट नीचे हैं, और इसको कुछ प्रेस करना नहीं है, कुछ नहीं करना आपको, बस इसके साइड से थोड़ा थोड़ा कोको पीट करके लगा दें, बस इसको अब लग गया ये, इसमें हमें पानी देना है और हमारा काम खत्म। इसको रखना कहाँ है, इसको रखना है ये जैसे एक हमारा मैरीगोल्ड का पेड़ है, ये देखिए इसके पास मैंने एक पेड़ ये रख दिया, ये दो पेड़ हो गए, और मैंने अपना एक बैल्सम का पेड़ लेके इसको भी यहाँ रख दिया। अब क्या हुआ, इन तीन पेड़ों को ऐसे पास पास रखने से, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये आपको एक डार्क एरिया दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका पूरा एरिया शेडी हो गया, ऑल्दो डायरेक्ट सनलाइट वाले रीजन में हमने रखा, लेकिन हमने ये पेड़ों के झुरमुट के नीचे इसको रख दिया, तो ये हमारा बन गया एक बड़ा जंगल, और इस जंगल में नीचे हमारा नया पौधा तैयार हो रहा है। तो ये इस तरह का सेटअप मैं यूज़ करती हूँ, और अगर आपको कोई और सेटअप पता हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे मुझे 100% श्योरिटी के साथ रिजल्ट मिलता है। पहले मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रखा, फुल शेडी एरिया में भी रखा, बट उससे रिजल्ट नहीं मिलता है। डायरेक्ट सनलाइट में आपका प्लांट स्टेम बर्बाद हो जाता है, फुल शेडी एरिया में बहुत स्लो ग्रोथ होती है, और अगर कभी कभी वाटर ज़्यादा हो गया तो भी प्लांट डेड हो जाता है। बट इस तरह के एरिया से आपको सनलाइट भी मिल रही है और शेड भी मिल रही है, और वाटर तो आपने बॉटम से उसके बेस से दिया ही हुआ है, तो ये इस तरह का सेटअप बहुत बहुत अच्छा है, और छोटे प्लांट और इवन सीड्स भी अगर आप जब लगा रहे हैं तो आप उसको इस तरह से लगा सकते हैं। सीड्स को आप शेडी एरिया में रखेंगे तो भी वो ग्रो कर लेते हैं, लेकिन स्टेम से अगर आप रूट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट तरीका यही है, आप इसी तरीके से इसको ग्रो करिए। तो ये बात हो गई हमारी मैरीगोल्ड की,
क्योंकि अब हम बैल्सम का ये पौधा आपके सामने ले आए हैं, तो हम बैल्सम की ही बात कर लेते हैं। तो बैल्सम, सॉरी मैं बैल्सम क्यों बोल रही हूँ, सिलोसिया है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सिलोसिया यानी कि कोक्सकोम। तो कोक्सकोम मुर्गे की कलगी, शनील का प्लांट जैसा लगता है ये पौधा। ये देखिए, ये सिलोसिया ग्रो किया गया था सीड से 25 अप्रैल को, और 25 अप्रैल को मेरा मैरीगोल्ड भी ये वाला ग्रो हुआ था, ये वाला अभी आधा फ्लावर निकला है। तो मैंने 25 अप्रैल को यानी कि काफ़ी सारे सीड्स लगाए हैं। ओके, तो 25 अप्रैल को ये सीड से तैयार किया था, और इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कुछ ही टाइम में, कैसे इसकी इसकी ग्रोथ कैसे करनी चाहिए। वो मेरा मोटिव नहीं है इस वीडियो का, तो मैं नहीं बताऊंगी अभी। तो सीड्स लगाने के लिए पहले हम इसको काट लेते हैं ताकि ये इधर उधर ना गिरे, और फिर हम इसकी कटिंग लगाएंगे। तो कटिंग का सिलेक्शन हम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं। और इस टाइम पे पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बारिश का टाइम है। ये देखिए इसकी लीव्स कितनी अच्छी होती हैं, साइड से थोड़ा थोड़ा पिंकिश का टच लिए हुए। और हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसका, हमें कौन सी कटिंग सूट करेगी। इसमें देखिए ये वाला तो थोड़ा पुराना हो गया, ये वाला नया निकल रहा है, तो ये वाली हम नहीं लेते हैं कटिंग। ये वाली स्टेम हम देखते हैं, इस स्टेम में हमारे पास एक ये है, ये छोटा पौधा है, अभी तक पूरा ग्रो नहीं हुआ है, हम इसको ले सकते हैं। और तीसरा हमारे पास ये वाला स्टेम है, जिसमें ये वाली जो है ये नई निकल रही है, और ये वाली एक बहुत छोटी सी, ये तो हम एनीवे सीड्स के लिए काट ही रहे हैं। तो हम अगर इसको सीड्स के लिए काटेंगे तो हमारे पास ये दो नए छोटे बर्ड्स होंगे जो कटिंग में आ जाएंगे। तो और हमारे पास एक ये ब्रांच है छोटी जो निकल रही है, हम इस ब्रांच को लेंगे, इसमें कोई भी वो नहीं है, या फिर है शायद, हाँ है इसमें, ये देखिए बहुत ही छोटा सा है एक। ठीक है, तो हमने अपना सिलेक्शन कर लिया कि हम ये वाली ब्रांच कटिंग के लिए लेंगे। एक ये ब्रांच भी है जिसको हम ले सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं आया। तो एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, हम इन दोनों में से कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं हमारी कटिंग के लिए। तो आइए पहले तो हम सीड कलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम इसको पहले नीचे से काट लेंगे इसके बेस से, ये देखिए। और अब हमें चाहिए कि हमारा सरफेस क्लीन हो ताकि हमें दिखे कितने सीड्स हैं हमारे पास। ये देखिए, आप इसको ऐसे ऐसे झाड़ेंगे तो ही ये सीड्स गिरना शुरू हो गए, और एक छन छन की आवाज आ रही है। तो अब तक हमारे पास 3 सीड्स हो गए हैं, ये देखिए, और एक ये 4 और एक ये 5, 5 सीड्स इससे झड़े हैं। और देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, इतने सारे सीड्स और निकले इसके, इसमें काफी सारे सीड्स हैं। हम थोड़े लगा सकते हैं, थोड़े हम सेव कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। ये देखिए, इसमें और भी निकल रहे हैं। आप इसको बस ऐसे ही झाड़ेंगे तो ही ये निकल रहे हैं, आपको इसको जबरदस्ती कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए फिलहाल तो इतने सीड्स हमारे पास बहुत हैं, और इसमें जो भी बाकी बचे हुए सीड्स और होंगे तो और सीड्स को हम लोग दूसरे पॉट में लगा देंगे, या तो हम सेव कर लेंगे। इसको मैं अभी साइड में करती हूँ अपना पॉट। अभी इसमें बहुत सारे सीड्स आ गए, इसमें इसमें इतने से ही करने में एटलीस्ट 20 सीड्स हैं जो मैं देख पा रही हूँ, ये देखिए। तो ये हमने पॉट ले लिया, इसमें हमने कोकोपीट की सरफेस ऑलरेडी लगा दी थी। अब बस हमें इसमें ऐसा कर, जब छोटे सीड्स हो तो आप उसको इस तरह से उसको बस फैला दीजिए, आपको कोई होल नहीं करना, बस आप उसको इस तरह से
ये मेरे लिए उठाने में भी मुश्किल हो रहा है। चलिए आप समझ गए होंगे, जितने सीरीज में पहुंच गए वो तो आ गए, बाकी मैं इसको उठाती हूँ बाद में। बहुत चिकने सीड्स हैं और हम इसको बार बार इस तरह से इसको स्प्रेड करके थोड़ा थोड़ा दबा देंगे कोकोपीट में, और ऊपर से हम इसमें पानी डाल देंगे। तो चलिए हमारा बेलसम का सेकेंड, सॉरी फिर से मैंने बेलसम का, स्लोसिया यानी कोक्सकोम का हमारा तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं कोक्सकोम की कटिंग के लिए। तो जो ब्रांच हमने सेलेक्ट की थी, हम उस ब्रांच को की कटिंग ले सकते हैं। हमने सेलेक्ट की थी ये वाली ब्रांच। तो हम इसको बिल्कुल ये नोड के पास से काटेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नोड के पार्ट पास से काटने से रूट्स प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाता है। ये देखिए, तो ये हमारे पास एक कटिंग आ गई। अब हम इसके नीचे के लीव्स निकाल देंगे। आप चाहें तो हल्का सा इसको नाखून से ऐसे खुरद दें, पर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने इसको नोट से ही तोड़ा होता है। एक नोट इसका हमको ये छोटी लीव से यहाँ पर भी मिल गया। थोड़े लीव्स हम और निकाल देते हैं इसके। तो ये हमने पूरा लीव्स नीचे के निकाल लिए, ऊपर के थोड़े लीव्स छोड़ दिए, एक बड़ी लीव्स है और बाकी सब छोटी हैं, और बीच में एक छोटा सा बड़ है। तो और ये हमारे पास नोड आ गई है। बस हम इसको कोको पीट में डालेंगे और ये देखिए, और साइड से हल्का सा इसको कोको पीट इसके पास कर देंगे इस तरह से। बस ध्यान रखें इसका लीव जो है कोकोपीट से टच ना करें, क्योंकि कोकोपीट में आप पहली बार ऊपर से पानी डालेंगे तो लीव गले ना, तो गलना नहीं चाहिए लीव्स को। बाकी इस तरह का सेटअप सही है। और नीचे बाद में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके बेस में और इसके साइड्स में होल्स हैं, और नीचे इसके जो कप रखा है इसमें हम पानी दे देंगे। तो बेलसम का चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और मैंने जो अभी ध्यान दी, मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि ये देखिए, इसमें एक छोटे छोटे से, इसको हम क्या बोलें, छोटे बड्स का कलेक्शन है ये फ्लावर और कुछ नहीं। और ये देखिए, अगर आप ये देखिए इस बड को तोड़ेंगे, देखिए जो पक गया है वो अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा इस प्रकार से। तो आपको एक सीड तुरंत दे देगा, हर बड के अंदर एक या दो सीड्स हैं। देखिए इसने सीड और बड पूरा पूरा मुझे दे दिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए और भी हैं, ये नीचे जो सूख गए हैं वो हम इस तरह से सूखते जाएं तो कलेक्ट करते जाएंगे, तो ये सीड्स हमारे वेस्ट भी नहीं होंगे। तो ये हो गई हमारी बेलसम की कंप्लीट बात। और अब हम बात करेंगे मैरीगोल्ड की एक और वैरायटी, स्कारलेट की। ये देखिए, ये है मेरा स्कारलेट का फूल। ये अभी इसको मैंने ये चाय की पत्ती के पैकेट में ही ऐसे ही लगा दिया था। तो ये अभी, सॉरी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है दोस्तों। हल्का सा ये ऐसे रब वगैरह हो गया आपके हाथ से तो इसमें तुरंत खुशबू आने लगती है। मैरीगोल्ड की ही वैरायटी है ये स्कारलेट। ये रेड वाला मैरीगोल्ड है और ये बहुत दिन तक खिला रहता है। अभी देखेंगे आप इसको पास से, तो इसकी छोटी छोटी जो बीच की वाली पेटल्स हैं वो नहीं खिली हैं, तो ये खिल जाएंगी, फिर ये और बड़ा हो जाएगा। और इसमें देखें तो आप एक ये और बर्ड आई हुई है, ये देखिए इसके एक बर्ड और आई हुई है। तो ये मैंने सी, और एक यहाँ पे छोटी सी बर्ड है, ये मैंने लगाया था सीड से और ये बहुत जल्दी ग्रो हुआ है। इसकी डेट अभी मेरे पास नहीं है, बट मुझे याद है कि ये बहुत जल्दी ग्रो हुआ है। और आपको मैं एक और प्लांट दिखाती हूँ स्कारलेट का।
ये स्कारलेट का एक और प्लांट है, ये मैंने लगाया था 7th of May को, और अभी आज है 4 अगस्त, तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने में ये प्लांट इतना बड़ा हो गया। इसके आप सूखे हुए फ्लावर्स देख ही रहे हैं, इसने मुझे काफ़ी सारे फ्लावर्स दिए, काफ़ी सा। और ये देखिए कि नया अभी निकल रहा है पूरी तरह से, अभी तो ये बड़ी है, खिला नहीं है ये। और ये वाला सूख गया है फ्लावर, एक इधर सूखा हुआ है, ये इधर सूखा हुआ है, और इसके आप कुछ लीव्स भी सूखे हुए देख रहे हैं। तो इसका रीज़न यही हुआ कि मैंने जैसा आपको बताया, मैं 1 हफ्ते के लिए घर पे नहीं थी, तो उसकी वजह से ये प्लांट मेरा सूख गया। अब इसको तो मैंने सीड से लगाया लेकिन जैसा कि मैंने दूसरे मैरीगोल्ड की वैरायटी स्टेम से लगाई, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसको भी मैं स्टेम से लगा के देखूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके बेस से 2 ब्रांचेस इसकी निकल रही हैं, तो ये वाले ब्रांचेस में तो ये नया फ्लावर आया हुआ है ये वाला, तो हम इसको छेड़खानी नहीं करेंगे। इसकी ये जो दूसरी ब्रांच है, हम इसको काट के आज इसकी पॉटिंग करते हैं। इसमें एक और दो, इसमें तो 2 बड्स हैं, मैंने अभी देखा। तो हम इसको इस तरह से काटते हैं कि इसके बड्स का नुकसान ना हो, और हम इसी की ट्राई करते हैं कि इससे भी लीव्स बन जाए। और आप देख रहे हैं ये सूखे हुए फ्लावर्स, मैंने इसको अभी भी छोड़ रखे हैं, तो उसका रीज़न यही है, मैं चाहती हूँ उसके सीड्स बने। तो अगर देखते हैं आज आपके सामने ही कि इसमें सीड्स तैयार हुए हैं कि नहीं, और पता कैसे लगे कि इसके सीड्स तैयार हुए हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसको तोड़ लिया है, और अब हम इसको खोल के अंदर से देखते हैं कि इसके सीड्स तैयार हुए हैं या फिर नहीं। ये देखिए इसके सीड्स निकले हैं, ये सारे के सारे इसके सीड्स हैं, लेकिन इसमें कौन से परफेक्ट हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत डार्क ब्लैक कलर का इसका ये बेस है, ये तो बहुत आराम से पौधा बन जाएगा। और एक ये देखिए, ये एक लाइट कलर का है इसका बेस, इसमें आधा ब्लैक आधा वाइट है, तो इसका पौधा नहीं बनेगा। वैसे ही एक और देखते हैं, ये देखिए ये भी लाइट है और पतला भी है, तो इसका भी पौधा नहीं बनेगा। लेकिन ये देखिए ये एकदम डार्क है, हल्का मोटा है उस वाले से कंपेयर करें तो इसका पौधा मिल जाएगा। तो इस तरह इसके बेसिस पे आप सेपरेट कर लें ये सारे के सारे जितने सीड्स निकले हैं, कि इनका पौधा बनेगा कि नहीं बनेगा, और आपने जो पॉट तैयार किए हैं ये देखिए इसमें हम लगा लेते हैं। इसके लिए आप हल्का सा, मैंने क्योंकि इसमें ज़्यादा कोकोपीट डाल दिया है, तो आप हल्का सा इसमें छेद कर लें, उसके ऊपर से कोकोपीट कवर कर दें, नहीं तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं जो तरीका मैंने आपको पहले वाले मैरीगोल्ड में बताया था। तो इस छोटे पॉट के लिए 2 सीड्स काफ़ी हैं, और अब हम इसकी कटिंग निकाल लेते हैं। तो मैं वीडियो पॉज करके इसकी कटिंग निकालती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती इसकी जो 2 नई बर्ड्स आई हैं वो उनको कुछ नुकसान हो। मैंने ये छोटे छोटे 2 स्टेम्स निकाल लिए हैं इसके, तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि बड़ी स्टेम, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी स्टेम लें तभी आपका फ़ायदा होगा। ये आप पेड़ की लेंथ देखिए, तो ये दोनों ही बहुत ही छोटे छोटे हर्ब के साइज के ये प्लांट्स हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है और बहुत देर तक ये प्लांट रिटेन करता है। तो हर प्लांट की अलग वैरायटी है, अलग इसकी किस्म होती है, तो हमें उसको अंडर एस्टिमेट किसी भी प्लांट को हम नहीं कर सकते। हमने इसकी एक छोटी छोटी 2 ब्रांचेस ले ली हैं जिसमें बड्स नहीं थी, और अब हम इनको पॉट कर देते हैं ये अपने ग्लास में जिसपे हमारा कोकोपीट है। तो अगर आप देखें ग्लास को मैंने आधा ही भरा है कोकोपीट से और इसको आधा खाली रखा है, तो उसका इसमें मुझे और भरना पड़ेगा क्योंकि इसकी इसकी स्टेम बहुत छोटी है। तो आधा आप इसको ज़्यादा ना भरें, क्योंकि होता ये है कि जब रूट्स बनती हैं, और मैंने जो इसके साइड में इसके जो होल्स दिए हैं तो उनकी वजह से ये रूट सब डायरेक्शंस हर डायरेक्शन में बनती हैं, और हर डायरेक्शन बन के इसकी रूट ऐसे राउंड राउंड बाउंडिंग स्टार्ट कर हो जाती हैं,
तो वो बाउंड इसको पूरा का पूरा कोकोपीट को ऐसे जगड़ जकड़ लेता है। आप मेरा मैरीगोल्ड वाला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने कटिंग से पूरा ग्रो करके पूरा का पूरा अपडेटेड प्रोसेस शो किया है आपको, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उसलिए आप कोकोपीट ज़्यादा ना लें, क्योंकि फिर आपको उसकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एनी हाउ जब आपका प्लांट एक बार बड़ा हो जाएगा तो उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। इस तरह से ये वाला जो मैरीगोल्ड था, तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे सॉइल में। तो इसलिए आप कोकोपीट पहले ज़्यादा ना लें, आप आधा ग्लास ही मैंने इसमें कोकोपीट लिया है, क्योंकि फिर वो रिपोर्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बस हम इसको लेके इसको इसमें इस तरह से दबा देंगे, दूसरा वाला भी इस तरह से इसको लेके इसमें दबा देंगे, और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे और हम देखेंगे इसके रिजल्ट्स। चलिए, आशा करते हैं कि अब तक के वीडियो से आपको कुछ लाभ अवश्य ही हो हुआ होगा और आप भी ट्राई करेंगे इस तरह की चीज़ें करना, कटिंग से ग्रो करना, सीड से ग्रो करना। आप सबके कीमती समय के लिए धन्यवाद। और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और गार्डनिंग करते रहें, पेड़ पौधे लगाते रहें, अपनी पृथ्वी को नष्ट होने से बचाने का एक यही तरीका है दोस्तों। धन्यवाद।